अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं इवनिंग से। तो मैंने कट करके रखी थी भिंडी और मैं बनाने लगी थी दही भिंडी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला था, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद में मैंने भिंडी को फ्राई किया है थोड़ा सा। पहले सबसे पहले भिंडी को फ्राई करना है और उनको एक साइड पर निकाल लेना है और मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, फुल फ्लेम नहीं करनी है वरना तो ये जल जाएंगी और फिर सॉफ्ट भी हो जाएंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी मैंने इसमें डाला है और फिर से इसे मैं हल्का हल्का सा फ्राई करने लगी हूँ। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम की हुई है और भिंडी हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं। और ज़्यादा इन्हें कुक नहीं करना है हमें, 30% इन्हें कुक करना है, बाकी हम इसको ग्रेवी के साथ पकाएंगे। तो अभी मैंने इनको निकाल लिया है एक बाउल में, ये देखें इतना ही हमको फ्राई करना है, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। और ऑयल थोड़ा सा रह गया था तो मैंने थोड़ा सा और ऑयल कढ़ाई में ऐड किया है और उसको मैं अच्छे से गर्म होने दूंगी। और ये देखें कढ़ाई में ऑयल और इतने हम थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। ये देखें थोड़ा सा हींग, ज़ीरा और हींग मैंने इसमें ऐड कर दिया है इनको। और ये देखें यहाँ पर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है जो कि मैंने चॉप करके रखी थी बारीक बारीक, जैसे कि हम ऑमलेट स्टाइल कट करते हैं, ऑमलेट में हम प्याज को कट करके डालते हैं, उसी तरह से मैंने कट की है। दो मीडियम साइज़ की प्याज मैंने इसमें कट की थी और इनको बहुत हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई हमें नहीं करना है। और फ्लेम को अब मैं यहाँ पर बिल्कुल लो कर दूँगी। और इतने मैंने बनाया था ये पेस्ट, ये देखें। सबसे पहले मैंने इसमें दही लिया था, थोड़ा सा मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने इसमें ऐड किया है और लेमन वगैरह आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इसमें, और धनिया पाउडर भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है। और ये सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद में मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगी प्याज के अंदर, जो ये मसाला मैं तैयार करने जा रही हूँ इसी में मैंने ऐड कर दिया है इसको। और इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। और ये देखें प्याज को मैंने बहुत कम फ्राई किया था और ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं हुई थी अभी ठीक से, और मैंने इसमें मसाला जो ये ग्रेवी बनाई थी ये इसमें ऐड कर दी है। और इसको अच्छे से हमें भूनना है क्योंकि इसमें मैंने सभी मसाले ऐड कर दिए हैं, तो इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे ताकि कच्ची जो महक होती है सभी मसालों की वो निकल जाए। और ये देखिए तेल छूटने लगा है मसाले से, तो मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है भिंडी, ये देखें, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और बहुत ही प्यारा इसका कलर आ रहा था, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा था। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं कलर के लिए। और जैसे कि मैंने थोड़ा सा सॉल्ट पहले भी भिंडी को फ्राई करते टाइम ऐड किया था, तो थोड़ा सा सॉल्ट अभी मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद में ये देखें कुछ देर के लिए मुझे करना था इसको कुक लिड लगा के, और ये देखें लिड मैंने इसको कवर कर लिया है और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करा था और ये अपने ही दही के मॉइस्चर में पक गई थी, अपने सभी मसालों के मॉइस्चर में। और ये देखें और ये बहुत टेस्टी लग रही थी वाकई में, सिंपल वाली भिंडी जैसी मैं बनाती हूँ ये उनसे भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। ये देखें ये बनकर भिंडी मेरी रेडी हैं और ये हल्की सी सॉफ्ट भी हो गई हैं। ज़्यादा मैं भिंडी को नहीं पकाती हूँ, ज़्यादा चीज नहीं करती हूँ मैं भिंडी को, इसी तरह से पकाती हूँ। और ये देखें ये एकदम परफेक्ट कुक हुई हैं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना था मुझे भिंडी को। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से दही भिंडी, ये देखें। नॉनवेज चाहे आप कितना भी खा लें बट हरी सब्जियों की बात ही अलग होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये देखें। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी और कलर टेक्सचर इसका बहुत प्यारा आया था। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे हस्बैंड को उस टाइप की पसंद है जैसे कि मैं भिंडी बनाती हूँ,
या तो फिर मेरे हस्बैंड को भरवा भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके अलावा और किसी भी तरह की उन्हें भिंडी पसंद नहीं आती है, बट ये वाली भिंडी उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैं बना सकती हूँ नेक्स्ट टाइम इनको। और ये देखें नेक्स्ट डे हो गया था और मैंने लंच के लिए बनाई थी सुबह में ही सेवइयाँ, जो कि मसाले की थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगती हैं। कभी कभी हल्की फुल्की इस तरह की चीज़ें खाने का मन हो तो लंच टाइम में मैं इस तरह की रेसिपीज़ बना लेती हूँ, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और हैवी भी नहीं फील होता है। तो अभी मेरे बेटे को इसमें सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सॉस भी इसमें ऐड की है, बट मैंने सोचा पता नहीं शायद वो ठीक से खा पाई या नहीं, तो मैंने उसके लिए फिर एग पराठा भी बना दिया है। और ये देखिए मेरा बेटा चेक करते हुए कि मैं आज उसके लंच बॉक्स में क्या पैक करने जा रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ आजकल के वो पराठों को छोड़कर कुछ और चीज़ खाना शुरू कर दे, लंच बॉक्स में कुछ और ले जाना शुरू कर दे। तो अभी मैंने उसको रेडी भी नहीं किया था, तो अभी मैं उसको रेडी करने जा रही थी, सब चीज़ें वगैरह देने जा रही थी रेडी, वो अपने आप से भी हो जाता है। और लंच टाइम में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो हम खा रहे थे मसाले वाली सेवइयाँ जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, और मेरे हस्बैंड हाथ से ही खा रहे थे, मैंने उन्हें फोर्क भी ला कर दिया था बट उन्होंने हाथ से ही खाया था। और हमें भी ये मसाले वाली सेवइयाँ सॉस के साथ ही पसंद है खाना। और खाना खाने के बाद मैंने फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखे थे जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और बर्तन वगैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिए हैं। और ये कीमा हरी मिर्च प्याज जो कि मैंने बनाया था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है, और मैंने भरवा करेले भी बनाए थे। इस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी। और मैंने ये वेज ही बनाए थे करेले, इसमें मैंने कीमा वगैरह नहीं भरा था, तो इंशाल्लाह कभी फिर शेयर करूँगी आपके साथ इसकी भी रेसिपी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये भी। और ये लेट नाइट हमने कुछ खाना था थोड़ा सा, तो हमने ये थोड़े से फ्राई किए थे, मैं ये कचरियाँ वगैरह फ्राई कर रही हूँ जो कि रमज़ानों वगैरह में हम बनाते हैं मोस्टली। और थोड़ा सा मैंने पकौड़ियाँ भी बनाई थी, और जो कि मैंने बैटर वगैरह बना के रखा था, बैटर घोल के रखा था बेसन का, और आलू वगैरह कट करके रखे थे, और ये घर से ही आई थी दी के सामान में, तो मैंने अच्छे से स्टोर करके रखा था इनको, और इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो कभी मन होता है तो मैं इनको बना लेती हूँ, और मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाना हम अगर जल्दी खा लेते हैं शाम में तो फिर से भूख लग जाती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी मन होता है तो खा लेना चाहिए। और ये देखें पापड़ मैंने बनाए थे, मेरे हस्बैंड को इस तरह से नहीं पसंद है, उनको थोड़ा सा सेक कर पसंद है, उनको फ्राई पापड़ नहीं पसंद बिल्कुल भी। और ये मैं बनाने लगी थी आलू के और प्याज के पकौड़े, और मैंने थोड़ा सा नींबू पानी भी बनाया था। और कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को रमज़ानों की याद आ गई है, तो मेरा मन था इस तरह की चीज़ें बनाऊँ जो कि हम रमज़ानों में बनाते थे, तो वही मैंने बनाया था। और फिर हमने इंजॉय किया, और इसके बाद में थोड़ी देर हमने एक मूवी देखी थी, और फिर इसके बाद में हम सो गए थे। और कभी कभी अनहेल्दी खाने का मन होता है, इतनी चीज़ें हेल्दी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, और ये कुछ फ्रूट्स भी मैंने रखे हुए थे, और ये चटनी मेरे पास रखी हुई थी समोसे की चटनी, और ये रेडीमेड थी बाहर की, मेरे हस्बैंड समोसे लेकर आए थे दोपहर में। आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।